सलमान की दबंग 3 के ट्रेलर का नशा अभी उनके फैंस के सर से उतरा ही नहीं था कि सल्लू के फैंस के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सलमान की अगली फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग आज से शुरू हो गई है। सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर किया है जिसमें उनके साथ दिशा पटानी, रणदीप हुड्डा, जैकी श्रॉफ, प्रभुदेवा, सोहेल खान क्लैप बोर्ड लिए नजर आ रहे हैं। राधे और मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग शुरू होने से पहले सेट से सामने आई ये पहली फोटो है। सलमान ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा है कि जर्नी शुरू हो चुकी है। राधे फिल्म 2020 ईद के मौके पर रिलीज होगी। इससे पहले ईद पर सलमान खान और संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाअल्लाह रिलीज होने वाली थी, लेकिन दोनों के बीच मनमुटाव के चलते फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई और अब ईद पर सलमान खान की राधे और मोस्ट वांटेड भाई सिनेमाघरों में दस्तक देगी। आपको बता दें कि दिशा पटानी और जैकी श्रॉफ फिल्म भारत में सलमान के साथ नजर आ चुके हैं। वहीं प्रभु देवा के साथ सलमान खान की ये तीसरी फिल्म है। इससे पहले वांटेड और दबंग 3 में भी दोनों साथ काम कर चुके हैं। राधे और मोस्ट वांटेड भाई फिल्म में सलमान खान के साथ दिशा पटानी, रणदीप हुड्डा, जैकी श्रॉफ नजर आएंगे। रणदीप हुड्डा सलमान के साथ सुल्तान और किक जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सलमान की ये फिल्म ईद 2020 के मौके पर कितना धमाल करती है। आप सलमान की राधे और मोस्ट वांटेड भाई को लेकर कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एंटरटेनमेंट की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।